हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डायनामाइक माइक के लिए प्री एम्पलीफायर। तो गाइज़, किसी एम्पलीफायर में अगर माइक कनेक्ट करने के बाद गाइज़ या माइक पर बोलने पर आवाज़ नहीं आती है, या फिर माइक को सटाकर बोलने पर आवाज़ आती है, थोड़ा दूर बोलने पर आवाज़ नहीं आती है, या फिर किसी एम्पलीफायर में माइक नया लगाना चाहते हैं, तो गाइज़ ये जो प्री एम्पलीफायर वहाँ पर यूज़ होता है गाइज़, ठीक है। तो गाइज़, किस तरीके से बनाना है इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। और गाइस, वीडियो पूरा देखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो किस तरीके से बनाना है देखिए गाइस। तो इसके कंपोनेंट बहुत ही इजी है और बहुत ही कम है गाइस। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, तो जैसे कि हमें एक ट्रांजिस्टर चाहिए गाइस, यहाँ पे BC548, ठीक है। और गाइस यहाँ पे एक दो कैपेसिटर चाहिए, 10UF 50 वोल्ट के दो कैपेसिटर, ठीक है। और गाइस एक रेजिस्टेंस चाहिए गाइस यहाँ पे 1 मेगा का, तो एक 1 मेगा का एक रेजिस्टेंस चाहिए। अभी गाइस 3.3K का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस चाहिए। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे इतने से कंपोनेंट है गाइस। तो इतने से कंपोनेंट से हम बनाने वाले हैं प्री एम्पलीफायर गाइस, ठीक है। तो इसका डेटा शीट कुछ इस तरीके से हमने बनाया है गाइस यहाँ पे, और उसे कनेक्ट करके मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद गाइस मैं छोटा स्पीकर लगा के टेस्ट करके भी बताने वाला हूँ गाइस, ठीक है। तो किस तरीके से करना है देखिए। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। एक मिनट, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, अभी गाइस यहाँ पे किस तरीके से करना है, यहाँ पे डायग्राम कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे जो कलेक्टर है, कलेक्टर पे यहाँ पे पावर जाएगा गाइस। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा गाइस यहाँ पे 3.3K का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा। तो यहाँ पे 3.3 का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाऊंगा पावर की साइड, जो कलेक्टर है कलेक्टर पे लगेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी गाइस यहाँ पे जो है 1 मेगा का रेजिस्टेंस है गाइस, यहाँ पे 1 मेगा का गाइस यहाँ पे बेस और कलेक्टर पे लगेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है 3.3 का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है गाइज यहाँ पे कलेक्टर के यहाँ पे, और गाइज ये जो है गाइज यहाँ पे जो है कलेक्टर और बेस को लगा है गाइज 1 मेगा का रेजिस्टेंस। अभी गाइज यहाँ पे हम लगाएंगे गाइज यहाँ पे 10UF 50 का यहाँ पे कैपेसिटर लगाएंगे। तो यहाँ पे बेस पे लग रहा है गाइज यहाँ पे जो माइक इन होगा गाइज, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसे मुड़ा लूंगा तो वो यहाँ पे लगेगा। तो देखिए गाइस यहाँ पे जो है कैपेसिटर लग चुका है यहाँ पे, जो यहाँ पे जो बेस को है कैपेसिटर लग चुका है। अभी गाइस और एक कैपेसिटर है, तो गाइस उसे हम लगाना है गाइस यहाँ पे कलेक्टर पर, ठीक है। तो ये जो है आउट रहेगा, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लगा दूंगा यहाँ पे। तो इतने से कंपोनेंट थे गाइस यहाँ पे हमने लगा दिए है गाइस यहाँ पे, ठीक है। अभी गाइस इसमें वायरिंग कर देंगे। तो वायरिंग करने के लिए गाइज यहाँ पे मैं लेता हूँ गाइज यहाँ पे पावर के लिए ये दो वायर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो जैसे कि गाइज एमीटर पे ग्राउंड है, तो यहाँ पे एमीटर पे यहाँ पे मैं ग्राउंड लगा दूंगा, और ये जो 3.3K का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है गाइज यहाँ पे जो है उसको हम एक लगा देंगे पॉजिटिव। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पे जो है हमारा पावर लग चुका है। एक मिनट, तो इस तरीके से गाइज यहाँ पे हमारे पावर लग चुके हैं कुछ इस तरीके से। अभी गाइज यहाँ पे हम पे माइक का सॉकेट लगाएंगे हम यहाँ पे। तो जैसे कि गाइज ये जो है ये पॉजिटिव है जो वाइट वाला, तो गाइज ये जो है माइक हमारा यहाँ पे है गाइज। तो ये माइक यहाँ पे बेस पर जा रहा है गाइज कैपेसिटर पर, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा। और गाइज ये जो है गाइज ये कॉमन ग्राउंड है, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है हमारा जो है सॉकेट लग चुका है। अभी गाइस एक वायर लगाना है गाइस यहाँ पे, ये है गाइस यहाँ पे ऑडियो आउट के लिए। तो गाइस माइक की जो ऑडियो इन होगा यहाँ से, और गाइस यहाँ पे से ऑडियो आउट होगा। तो देखिए गाइस कुछ इस तरीके से गाइस यहाँ पे हमारा कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है।
अभी गाइज यहाँ पे मैं टेस्ट के लिए यहाँ पे छोटा एम्पलीफायर लगाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक छोटा बोर्ड है 6283, तो यहाँ पे मेरे पास 6283 यहाँ पे बोर्ड है गाइज, और उसे मैं पावर लगाऊंगा। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे मैं इसका जो है कॉर्ड ले लेता हूँ। तो इसे पावर के लिए गाइज यहाँ पे कॉर्ड है गाइज, यहाँ पे मैं कॉर्ड लगा देता हूँ, यहाँ पे ग्राउंड और पॉजिटिव कर देता हूँ। तो अब देखिए गाइज यहाँ पे जो है हमारा जो है प्री एम्पलीफायर के यहाँ पे वायर लगाएंगे हम, तो उसे भी यहाँ पे ग्राउंड और पॉजिटिव लगा देंगे। तो ये गाइज ये वायर हम लगाएंगे गाइज वॉल्यूम पर। तो गाइज यहाँ पे से हमारा जो है एम्पलीफाई होगा ऑडियो, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पे जो है हमने लगाया गाइज यहाँ पे माइक आउट का यहाँ पे हमने लगाया गाइज, एम्पलीफायर में इन किया है गाइज यहाँ पे। और गाइज यहाँ पे हम स्पीकर लगाएंगे, तो स्पीकर के लिए गाइज यहाँ पे जो है ग्राउंड और स्पीकर है पॉजिटिव, तो देखिए गाइज कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो है कनेक्ट हो चुका है। अभी गाइज मैं माइक को वायर लगा लेता हूँ। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैं इसमें पावर लगा देता हूँ सबसे पहले। देखिए कनेक्ट हो चुका है यहाँ पे, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे मैं वेरिएशन आ रहा है, देखेंगे वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। अभी गाइस मैं माइक कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। हेलो 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 1 2 3, हेलो 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 1 2 3। तो देखिए गाइस कुछ इस तरीके से गाइस यहाँ पे हमारा जो है माइक कनेक्ट हो चुका है यहाँ पे, देखिए। हेलो 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 1 2 3। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं गाइस यहाँ पे प्री एम्पलीफायर। और गाइस इसे आप किसी भी एम्पलीफायर के ऑक्स पर भी लगा सकते हैं गाइस। और इसे किस तरीके से बड़े एम्पलीफायर में लगाना है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, वो भी देखिए गाइस, ठीक है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस। थैंक यू गाइस।